हाय गाइस, आई एम पीयूष कुमार और इस वीडियो में हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। फंक्शन क्या है, कितने तरह के होते हैं और इस फंक्शन को हम लोग किस तरह से कॉल करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क यानी कि स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। सारे स्टेटमेंट्स एक साथ मिल करके एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, तो उस कंडीशन में उस फंक्शन उसको उस ब्लॉक को उस कोड को क्या बोलेंगे, फंक्शन। और उस ग्रुप ऑफ कोड को का एक नेम होता है। वो क्या होता है नेम, वो आगे जाके देखेंगे किस तरह से नेमिंग करते हैं, किस तरह से फंक्शन का हम नेम रख सकते हैं। ओके, और इस फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे ये फंक्शन रन नहीं करेगा। से रन करने के लिए उस फंक्शन को हमको कॉल करना ही पड़ेगा। ओके, इस फंक्शन को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, मेन फंक्शन में कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन ये कैटेगराइज किया गया है कि इस फंक्शन को किसने क्रिएट किया है। एक तो है ऑलरेडी डिफाइंड रहता है और एक है कि प्रोग्रामर क्रिएट करता है। ओके, तो उस बेसिस पे यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और लाइब्रेरी फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन को प्रोग्रामर क्रिएट करता है जो वो कोड लिख रहा है, और लाइब्रेरी फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ए यूजर डिफाइंड फंक्शन ग्रुप्स कोड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड दैट ग्रुप ऑफ कोड इज गिवन अ नेम। दैट मीन्स आइडेंटिफायर, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ कोड्स That performs a specific task, और उस group of code का एक नाम रहता है। क्या, identifier means ये होता है कि letters, digit और underscore, ये मिलकर के identifier बनता है। और इसमें first letter digit नहीं हो सकता है, बाकी हम letters use कर सकते हैं first letter में या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं फर्स्ट लेटर में। ठीक है, तो ये जो फंक्शन का नेमिंग होगा वो इसी बेसिस पे होगा, आइडेंटिफायर के बेसिस पे। यानी आइडेंटिफायर जिस तरह से नेम होता है, आइडेंटिफायर क्या है वही फंक्शन का नेम होगा। ठीक, व्हेन द फंक्शन इज इन्वोक्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम इट ऑल एग्जीक्यूट्स द कोड डिफाइंड इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। यानी कि किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम में अगर फंक्शन को इन्वोक किया जाता है और उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, तब क्या होगा, उस फंक्शन का जो बॉडी है उसमें जो कोड्स लिखे हुए हैं वो रन करेगा। ठीक है, सिंपल सा एक सिंटैक्स है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। ठीक है, ये सिंटैक्स क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन दैट मीन्स फंक्शन विथ देयर बॉडी। क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, और ये आइडेंटिफायर दैट मीन्स नेमिंग, और ये पैरामीटर्स, ये ऑप्शनल है, इस पैरामीटर को यूज कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ओके, ये क्या है, फंक्शन का बॉडी। तो देख लेते हैं रिटर्न टाइप में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम। रिटर्न टाइप में हम लोग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, और अगर डेटा टाइप नहीं यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, वॉइड। ठीक है, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम में क्या हो सकता है, द
दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन. द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर. फंक्शन सिग्नेचर, इसके बारे में आगे बात करते हैं. पहले है फंक्शन नेम. फंक्शन नेम में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर, दैट मीन्स आइडेंटिफायर का जो नेमिंग होता है वही. फंक्शन नेम में जो आइडेंटिफायर होता है, इस तरह से आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं. आइडेंटिफायर में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं ले सकते हैं फर्स्ट लेटर के रूप में, तो फंक्शन का नेमिंग भी उसी तरह से होगा. ओके, उसके बाद है पैरामीटर्स. ये पैरामीटर्स एक प्लेस होल्डर का काम करता है, यानी कि ये प्लेस होल्डर है. इस यहाँ पर इस पैरामीटर को हम यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं. और किसी डेटा को अगर हम पास करना है किसी दूसरे फंक्शन से इसमें, या फिर कोई ऐसा डेटा है जिसको हमको इस पैरामीटर में पास करना है, तो उस कंडीशन में हम वो पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं. ओके, फंक्शन बॉडी, इसमें कोड रहता है, स्टेटमेंट रहता है. जो फंक्शन बॉडी में जो रहता है वही एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन को कॉल करते हैं. अब है फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था फंक्शन सिग्नेचर, तो फंक्शन सिग्नेचर भी यही होता है. और फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट. क्या है फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर. तो ये सारे मिलकर के फंक्शन सिग्नेचर बनाते हैं, यानी कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, ये क्या है, डिक्लेरेशन है. फंक्शन का एक डिक्लेरेशन, ये कब यूज होता है, डिक्लेरेशन का यूज जब होता है जब मेन फंक्शन के हम बात कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उस कंडीशन में हम लोगों को मेन फंक्शन के पहले एक फंक्शन डिक्लेरेशन का जरूरत होता है. नहीं तो क्या होगा, मेन फंक्शन जो उस फंक्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा इस फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया है. ओके, और इस अगर पैरामीटर, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पैरामीटर्स, तो इस फंक्शन को, फंक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पर है कि अगर हम पैरामीटर लिस्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ है ऐड एक फंक्शन नेम है, तो इंट ए इंट बी, यानी कि ये पैरामीटर लिस्ट हुआ, तो इंट ए इंट बी भी ले सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट वेरिएबल नेम डिफाइन किए हुए हम डायरेक्ट उसका डेटा टाइप ही बस लिख सकते हैं. इस तरह से हम डिक्लेरेशन को यूज कर सकते हैं. वेरिएबल नहीं भी डिफाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन करते भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, इफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज डिफाइंड आफ्टर मेन फंक्शन, कंपाइलर विल शो एरर. यानी कि अगर डिक्लेरेशन, अभी तो कुछ देर पहले ही बताए हैं कि अगर मेन फंक्शन के बाद किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उस कंडीशन में अगर हम डिक्लेरेशन का यूज नहीं करेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एरर शो करेगा. और इस एरर को ओवरकम करने के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज करना पड़ेगा. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन प्रोटोटाइप इफ यूजर डिफाइंड फंक्शन एग्जिस्ट बिफोर मेन फंक्शन. हाँ, मेन फंक्शन के पहले अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नेसेसरी नहीं है कि हम प्रोटोटाइप, फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन का डिक्लेरेशन यूज करें. ओके, और फंक्शन को कॉल किस तरह से किया जाता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा कुछ कर दिए, फंक्शन लिख दिए और फंक्शन को कॉल करना ही नहीं आता है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम उस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर पाएंगे, उस फंक्शन का यूज ही नहीं कर पाएंगे. तो फंक्शन कॉल किस तरह से होता है, फंक्शन नेम विथ पैरामीटर लिस्ट यूज किए हैं उसमें आर्गुमेंट पास करना होता है, तब हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. ठीक है, टू एग्जीक्यूट द कोड्स ऑफ फंक्शन बॉडी द यूजर डिफाइंड फंक्शन नीड टू बी इन्वोक्ड एंड इट कॉल्ड बाय इट्स नेम एंड फॉलोड बाय इट्स आर्गुमेंट. यानी कि ये जो हम पैरामीटर्स का यूज कर रहे हैं, ये पैरामीटर्स का यूज कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कोई पैरामीटर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन का नेम और फंक्शन का पैरामीटर जो हम डाले हैं उस हिसाब से हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं या फिर कुछ वेरिएबल ले सकते हैं. ठीक है, कॉल करने के लिए. ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. अब है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन वर्क कैसे करता है. अगर मेन फंक्शन के बाद
हम किसी फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं और मेन फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रोग्राम है सिंपल सा, कुछ कोड वगैरह लिखा हुआ नहीं है, बस एक देखिए यहाँ पर फंक्शन नेम एक फंक्शन का नेम है, ठीक है, और इसमें कुछ कोड्स है, जैसे बस मान के चलिए अभी डॉट 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 कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस फंक्शन को कॉल किस तरह से किए, फंक्शन नेम, और इसमें पैरामीटर लिस्ट यूज नहीं किए थे, इसके कारण कोई आर्गूमेंट हम लोग को पास नहीं करना पड़ेगा। तो जब मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल किए हैं तो क्या होगा, कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा और इस फंक्शन को, फंक्शन के कोड को सबसे पहले चेक करेगा, है तो फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर ये फंक्शन जहाँ से कॉल किए उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा वो, और कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते चला जाएगा। अब है कि अगर मेन फंक्शन के बाद करते हैं तब क्या होगा, कि यहाँ मेन फंक्शन यहाँ है और इसके बाद मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फंक्शन नेम जब फंक्शन को कॉल किए तो ये नीचे चेक नहीं करेगा, ठीक है, मेन फंक्शन क्या करेगा, ये इधर नहीं चेक करेगा, ये जस्ट चेक करता है अपने ऊपर, यानी कि ये कह सकते हैं ये मेन फंक्शन के ऊपर कहीं भी अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसे चेक कर लेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, एरर शो करेगा, तो यहाँ क्या है, द फंक्शन नेम डजंट एग्जिस्ट फॉर दिस प्रोग्राम। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमको फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है, दो इंटीजर्स को ऐड करना है, फंक्शन का नेम ऐड लेना है और उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन यहाँ इंड हो रहा है और फंक्शन डिफाइन यहाँ हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन और मेन फंक्शन, तो ये क्या है, मेन फंक्शन के बाहर हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी बताए थे कि फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज होता है, यहाँ पर मैंने इस ऐड फंक्शन का एक प्रोटोटाइप डिफाइन किया है, तो इसमें हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, नहीं लिया है, ठीक है। और इसमें मेन फंक्शन में क्या किए हैं, दो दो वेरिएबल है और एक सम वेरिएबल है, तो इसमें डेटा पास कर दिए हैं, उसके बाद फंक्शन को कॉल किए हैं, किस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, किस तरह से कॉल किए हैं, ऐड फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम, और ये दोनों वेरिएबल को इसमें पास किए हैं, क्यों, क्योंकि ये दो वेरिएबल जो पैरामीटर लिस्ट में यूज हुआ है इसे तो कुछ वैल्यू चाहिए चाहिए ना, तब तो यहाँ पर इस वैल्यू इसको ऐड करके ऐड में सेव करेगा। तो यहाँ पर नम में जो वैल्यू हम इंटर करेंगे रन टाइम में, वही क्या क्या होगा, यहाँ पे पास हो करके यहाँ पे आएगा, ऐड करेगा और उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न करके क्या होगा, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, ये पूरा एक वैल्यू रिटर्न करेगा, कौन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इस फंक्शन के अंदर जो ऐड वेरिएबल है उसको रिटर्न करेगा, यानी कि ऐड वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, और ये क्या होगा, सम में स्टोर होगा, फिर सम को प्रिंट कर सकते हैं, और इस प्रिंट कर उसको प्रिंट करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली अब क्या है, यहाँ पर तो स्टेटमेंट यूज हुआ है एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स, इसे भी देख लेते हैं। एक्चुअल पैरामीटर क्या है, नम वन एंड नम टू, यानी कि जो हम फंक्शन कॉलिंग करने टाइम हम पास करते हैं जो वेरिएबल या वैल्यू, वो क्या हो जाता है, एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम हम यूज करते हैं पैरामीटर लिस्ट, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मर पैरामीटर, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ है नीचे, इफ ए फंक्शन इज टू यूज आर्गूमेंट्स, इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, यानी कि जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को वेरिएबल या पैरामीटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है।
तो फॉर्मल पैरामीटर हो जाता है, और एक्चुअल पैरामीटर जो हम कॉलिंग करने टाइम हम पास करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर भी समझ चुके हैं, और ये एक सिंपल सा एग्जांपल था फंक्शन को किस तरह से वर्क करता है, और ये एक सिंपल सा एग्जांपल है समझने के लिए। अब है कि यहाँ तक हम लोगों ने देख यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब पासिंग आर्गुमेंट टू द फंक्शन, जब फंक्शन यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया तो पासिंग आर्गुमेंट को पास किया था। ये क्या है, आर्गुमेंट पास किया था। तो इस पे कुछ ये है कि फंक्शन आर्गुमेंट को कैसे पास करते हैं और क्या इसका ये है, तो देख लेते हैं एक बार। इन प्रोग्रामिंग आर्गुमेंट्स पैरामीटर रिफर टू द डेटा विच इज पास टू एफ फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन बाई कॉलिंग इट। ओके, द नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स द नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स एंड द फॉर्मल आर्गुमेंट्स शुड बी द सेम। दैट मीन्स कि एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट और ये है एक्चुअल आर्गुमेंट, यानी कि फॉर्मल आर्गुमेंट जितना होगा एक्चुअल आर्गुमेंट भी उतना ही यूज करेंगे। ठीक है, द टाइप ऑफ फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट शुड मैच द टाइप ऑफ फर्स्ट फॉर्मल आर्गुमेंट्स, सिमिलरली टाइप ऑफ सेकेंड आर्गुमेंट्स शुड मैच द टाइप ऑफ सेकेंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स। दैट मीन्स कहने का ये है कि जो फॉर्मल आर्गुमेंट जो है, ठीक है, इसका टाइप क्या है, दोनों का इंट और इंट है। तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट जो हम पास कर रहे हैं तो ये भी क्या होना चाहिए, इंट टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों क्या है, इंट टाइप का है। और अगर यहाँ पर फ्लोट है या फिर कोई और है, डबल है या कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर का यूज करेंगे। सेकेंड आर्गुमेंट सपोज दैट कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये जो नम टू हम यूज किए हैं उसके जगह पर हम क्या इंटीजर टाइप का है, करेक्टर टाइप का यूज करेंगे। डबल है तो डबल, फ्लोट है तो फ्लोट, तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यू मे कॉल फंक्शन विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट्स। यू मे कॉल ए फंक्शन विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट्स। द नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट पास टू ए फंक्शन डिपेंड ऑन हाउ प्रोग्रामर वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ प्रोग्रामर्स वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि किसी फंक्शन में यू मे कॉल अ फंक्शन विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट्स। द नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट पास टू ए फंक्शन डिपेंड ऑन हाउ प्रोग्रामर वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर प्रोग्रामर डेफिनेशन के टाइम अगर फॉर्मल पैरामीटर्स उसका कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ पास ही नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल पैरामीटर भी नहीं होगा। क्योंकि प्रोग्रामर अगर ये नहीं चाहता ही नहीं है कि इसका यूज हो, वो इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख करके वो कर सकता है, तब क्या होगा उस केस में, ये पास नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम क्या फंक्शन फंक्शन नेम से कॉल कर लेंगे। ओके, यू मे असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू द आर्गुमेंट, दीज आर्गुमेंट्स आर नोन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। कहने का यही मतलब है कि जो हम यहाँ पर हम पास कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, या फिर हम जो प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम किसी फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज कर सकते हैं या डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। उस केस में कॉलिंग करने टाइम हम या तो दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट के रूप में, या फिर हम सिर्फ फर्स्ट वाला को मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर दोनों को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ये
इक्वल टू 10 है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया, तो नम वन नम टू दोनों का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और या तो फिर हम डायरेक्ट सिर्फ नम वन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इंट बी इक्वल टू 10 ये क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, और इसके इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता क्या है और इसका एक्चुअल यूज़ क्या है और किस तरह से डिफॉल्ट आर्गुमेंट को हम लिख सकते हैं पैरामीटर लिस्ट में, उसका लिखने का तरीका क्या है, कितना डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, किस तरह से लिखने का उसका पैटर्न है, ये सब के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा इस वीडियो को, चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। इन द एबव प्रोग्राम बोथ आर्गुमेंट्स आर ऑफ इंट टाइप, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव बोथ आर्गुमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर दोनों इंट टाइप का यूज किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, इंट कैर कैर इंट, इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर इंट लिए हैं तो किसी और प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें भी इंटी टाइप का लेगा, ऐसा कुछ बंदिश नहीं है। हम अपने मन से किसी भी पैटर्न में किसी भी तरह से हम ले सकते हैं, इंट कैर कैर इंट 2 3 4 जितना भी पैरामीटर लेना है, ठीक है। ओके, अब है टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं, ठीक है। ये कौन सा है? फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो देख लेते हैं एक बार वो क्या क्या है। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, ऐसा फंक्शन जिसका कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, एंड नो रिटर्न वैल्यू, दैट मीन्स वर्ड का यूज हुआ है, नो रिटर्न वैल्यू मीन्स वर्ड का यूज हुआ है। तो ये क्या है? एक सिंटैक्स है जो नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू जिस फंक्शन में है, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली इसके फंक्शन नेम से कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर फंक्शन लिए हैं void, रिटर्न कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, फंक्शन नेम add, कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल को डिफाइन किए हैं, ठीक है, और एक अलग से वेरिएबल है add, इसमें ये दोनों वेरिएबल को ऐड कर दिया, उसको प्रिंट कर दिए हैं। और इस फंक्शन को कॉलिंग किस तरह से किए हैं? बस फंक्शन के नेम से और पैरेंथेसिस का यूज किए हैं जो जनरली यूज करते हैं। ओके, आउटपुट इसका देख चुके हैं। अब है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पर देख लें रिटर्न टाइप है इसका, फंक्शन नेम है बस, पैरामीटर लिस्ट नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर रिटर्न टाइप होगा तो एक स्टेटमेंट होता है रिटर्न, यहाँ पर हम जीरो लिखे हैं, ये कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ये जिस टाइप का ये होगा उसी टाइप का ये भी होना चाहिए, ठीक है। और कॉलिंग करने का तरीका, फंक्शन नेम के साथ कॉल होता है, और ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए इसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, हम किसी उस जो वैल्यू को वो रिटर्न करेगा उसको हम डायरेक्ट फंक्शन नेम को कॉल करके हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम में एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है, और ये इंटीजर टाइप है, यहाँ पर ऐड क्या है, ये भी रिटर्न, ये भी इंट टाइप का है, इसको क्या कर रहा है? इस ऐड को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इस ऐड को, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो ये रिटर्न हो सकता है, ऑब्वियसली रिटर्न हो सकता है। इसको फंक्शन को कॉल किस तरह से किए हैं? एक वेरिएबल लिए हैं और उस वेरिएबल में उस वैल्यू को ऐड कर दिए हैं, उस वैल्यू को स्टोर कर दिए, यानी कि ये जो रिटर्न करेगा क्या रिटर्न करेगा? ऐड रिटर्न करेगा, ये वेर में स्टोर होगा, और फिर वो ऐड वेर को वेर वेरिएबल को हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐड को डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। दोनों केस में आउटपुट क्या आएगा? 50-50। ओके, अब है फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर आर्गुमेंट है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स वर्ड यहाँ पर आर्गुमेंट्स यूज हुआ है। तो जब आर्गुमेंट यूज होता है तब फंक्शन को कॉल करने टाइम भी जो हम ये पास करते हैं वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है।
ये पास होगा, ठीक है, आर्गुमेंट्स पास होगा। ओके तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, कोई रिटर्न टाइप नहीं इस फंक्शन का, और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एक पैरामीटर लिस्ट यूज हुआ है, क्या है, इंट ए इंट बी। तो फंक्शन कॉलिंग करने टाइम क्या होगा, ये पास करना पड़ेगा, ठीक है, जितने नंबर में होगा और जिस टाइप का होगा उसी टाइप का पास करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं नम वन नम टू क्या है, इंटीजर टाइप का है, और ये भी ए और बी क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो ये ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइप का अगर हम जो पैरामीटर लिस्ट ले रहे हैं उसी टाइप का पास होगा, ठीक है। फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू है, किस इंट टाइप का लिए हैं, और ये क्या है, आर्गूमेंट्स भी है, और अगर इंट टाइप का है तो इंट टाइप का यहाँ पर रिटर्न कर दिए हैं ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रिटर्न टाइप वेरिएबल नेम, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर हम सपोज अगर इंटीजर लिए हैं तो इंट टाइप का हो जाएगा, और ये फंक्शन नेम को कॉल कर सकते हैं यहाँ पर इंट। तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो वेर नेम में स्टोर होगा, या तो फिर इस वैल्यू को डायरेक्ट हम सी आउट में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंट ए इंट बी, यहाँ दो पैरामीटर है, ठीक है, रिटर्न टाइप इसका ये है, रिटर्न क्या कर रहे हैं, ऐड को रिटर्न कर रहे हैं, और ए और बी में क्या वैल्यू पास हो रहा है, नम वन एंड नम टू पास हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, नम वन एंड नम टू एक्चुअल पैरामीटर, ये फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। तो ये वैल्यू पास हो रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है, फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं, और डायरेक्ट यहाँ से हम इस तरह से भी हम प्रिंट कर सकते हैं इसके अंदर के वैल्यू को, यानी कि ऐड में जो स्टोर हो रहा है। ओके, दोनों ही केस में क्या आएगा आउटपुट, 50-50। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड हो गया है, होप आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं इस वीडियो को, इस कंटेंट को, फंक्शन के बारे में, फंक्शन कितने तरह के हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, समझ में आप लोग को आ चुका है। तो वीडियो में बने रहिए, अगले पार्ट में लाइब्रेरी फंक्शन, डिफॉल्ट फंक्शन और फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।